आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने बीमा सुगम के बारे में बात की थी। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म जो IRDA लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 2047 तक हर घर इंश्योरेंस ले जाने में बहुत इनेबलमेंट होगी। सो, अभी रिसेंटली बीमा मंथन जहां पे मीटिंग हुई जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के और IRDA के चेयरमैन के साथ, देवशीष पांडे उनके साथ मीटिंग की गई और वहां पे उन्होंने बीमा विस्तार की प्राइसिंग लॉन्च की गई। बीमा विस्तार एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जो आपको मैंने बताया था बीमा सुगम के वीडियो में, जो दिसंबर 2022 में वीडियो में हमने बात किया था। तो बीमा विस्तार एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जो मासिस तक पहुंचेगा, हर घर इंश्योरेंस होगी। ये जो सपना है IRDA का वो पूरा करने के लिए बीमा विस्तार की प्राइसिंग लॉन्च की गई है और क्या कवरेज स्कोप रहेगा वो भी बताया गया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि बीमा विस्तार क्या है, बीमा विस्तार में कितने का इंश्योरेंस मिलेगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी और कैसे काम करेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल होने वाली है। अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। बीमा विस्तार, तो बीमा विस्तार के बारे में बात करने से पहले बीमा ट्रिनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी बीमा सुगम के बारे में, उसी में ही बात की थी बीमा विस्तार और बीमा वाहक के बारे में। बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलेंगे, जो कॉम्बो प्रोडक्ट्स, जो अफोर्डेबल मास के लिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो हर घर में अवेलेबल हो पाएगा Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में। सो बीमा विस्तार जो है वो एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जो अवेलेबल होने वाला है आने वाले टाइम में। और तीसरी चीज बीमा वाहक, बीमा वाहक बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, मोस्टली ये वुमेन फोर्स होगी जो घर घर तक इंश्योरेंस पहुंचाएंगी, तो बीमा वाहक। तो ये तीन चीजें हैं मेजरली जो बीमा ट्रिनिटी में आती हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे बीमा विस्तार के बारे में। बीमा विस्तार एक कॉम्बो प्रोडक्ट है जो कम्प्लीटली आपको कवर करता है हर एस्पेक्ट से। वो बंडल्ड प्रोडक्ट है, मतलब उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी है और आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी है। एक ही प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे आपको कम्प्लीटली कवर करता है और अफोर्डेबल भी है। सो यहाँ पे अगर हमने बात करनी है तो लाइफ कवर कवर्ड है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड है, आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर्ड है और हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड है। कवर देख लेते हैं कितने कितने का है। लाइफ कवर है 2 लाख रुपए का, पर्सनल एक्सीडेंटल है 2 लाख का, आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है 2 लाख का और हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, 500 रुपीज पर डे है और मैक्सिमम 10 दिन के लिए दिया जाएगा, तो 5,000 रुपए का कवर है। कॉस्ट होने वाली है लाइफ कवर की 820 रुपीज, 820 रुपए, पर्सनल एक्सीडेंटल की 100 रुपए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की 80 रुपीज, 80 रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस की है 500 रुपए। तो टोटल 1500 में ये कॉम्बो प्रोडक्ट दिया जाएगा जिसमें आपको होलिस्टिकली हर तरीके से कवर कर दिया IRDA ने बीमा विस्तार के थ्रू। अगर इसमें आप इसको फैमिली फ्लोटर प्लान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी ऐड करना चाहते हैं, तो 920 रुपए और देंगे तो टोटल प्राइस हो जाएगा 2420, 2420 रुपए में आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाएगी। और साथ में ही क्लेम प्रोसेस भी बहुत स्मूथ रहेगा, जो जनरली पेन पॉइंट होता है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरीके की इंश्योरेंस लेते हैं, तो का पेन पॉइंट जनरली रहता है कि क्लेम स्मूथ नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बहुत फॉर्मेलिटीज है। तो जैसे कि बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म है उस पर क्लेम प्रोसेस भी बहुत स्मूथ रहने वाला है। इसी के साथ बताना चाहूंगी बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए प्रोजेक्ट दिया गया है जॉपर करके कंपनी है, इंश्योरटेक है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे जिनके प्लेटफॉर्म पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज आप खरीद सकते हैं। एजेंट्स एंड पैनल होंगे और क्लेम्स भी वहीं पे आप डाल सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ मिलेगा आपको। हमने बात कर ली लाइफ इंश्योरेंस की जहां पे 2 लाख का कवर मिलेगा अगर डेथ होती है, तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए अगर एक्सीडेंटल क्लेम होता है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 2 लाख रुपए। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली मिलेगा कैसे, कितना लॉस हुआ उस हिसाब से मिलेगा। अगर आपका 25% डैमेज हुआ है तो 50% सम इंश्योर्ड मिल जाएगा जो है 1 लाख रुपए, और अगर आपका 40% या 40% से ज्यादा डैमेज हुआ है तो 100% सम इंश्योर्ड मिल जाएगा जो है 2 लाख रुपए। इस तरह से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा हॉस्पी कैश, बेसिकली हॉस्पिटल कैश। जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिटेड है उतने दिन का आपको बेनिफिट दिया जाएगा, 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 10 दिन के लिए, तो 5,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। अब बीमा विस्तार को घर घर लेके जाने के लिए बीमा वाहक चाहिए। बीमा सुगम के बारे में हमने बात कर ली, बीमा विस्तार के बारे में बात कर ली, बीमा वाहक के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीमा वाहक बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट्स होंगे जो ये पॉलिसीज सेल करेंगे। सो ये इंश्योरेंस एजेंट्स एम्पैनल्ड होंगे बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पे, IRDA रेगुलेटेड इंश्योरेंस एजेंट्स होंगे जैसे अभी हैं, उसी तरीके से मेनली वुमेन होंगी जो घर घर तक इंश्योरेंस पहुंचाएंगी। और ये भी कहा गया है कि विलेजेस के ग्राम पंचायत में भी अलग अलग एक्टिविटीज की जाएंगी, उनका पूरा सपोर्ट चाहिए कि बीमा वाहक हर घर तक पहुंच पाए, तो उनको एनेबल किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उनको बताया जाएगा कैसे आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रोडक्ट की, कैसे आप घर घर जाके ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। बीमा वाहक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बीमा विस्तार को घर घर पहुंचाने में। सो बीमा वाहक
इंडिविजुअल एजेंट्स भी हो सकते हैं और कॉर्पोरेट एजेंट्स भी हो सकते हैं एज पर IRDA गाइडलाइन। IRDA ने यह भी कहा जितने भी लीडिंग इंश्योरर्स हैं, लाइफ इंश्योरर्स हो गए, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरर्स, उन सबको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा बीमा विस्तार सेल करने के लिए। तो ऑल इन ऑल आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मूव है, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में बहुत कम है उसको बढ़ाने के लिए, मासेस तक पहुंचने के लिए, घर घर पहुंचने के लिए बहुत अच्छा मूव IRDA कर रही है बीमा विस्तार के थ्रू, और काफी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है इस प्राइस पॉइंट के साथ, किस तरीके से काम करेगा वो आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो ये था अभी के लिए बीमा विस्तार की डिटेल्स, एंड अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि मैंने अभी दी। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।